welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के केस टेकिंग सीरीज के आगे के फॉगिज्म्स के बारे में. एज यू ऑल नो कि केस टेकिंग सीरीज चल रही है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं फॉगिज्म नंबर 83 से 104 तक, जो कि केस टेकिंग के फॉगिज्म्स हैं. और हम अभी तक कर चुके हैं फॉगिज्म नंबर 91 तक. आज हम बात करेंगे 92 एंड 93 फॉगिज्म के बारे में. यहाँ पर मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी अभी तक भी जो हमने समझा है उसके बारे में. फॉगिज्म नंबर 83 से हमने स्टार्ट किया जहां डॉक्टर हैनेमैन ने हमें बताया कि एक इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक प्रॉपर केस टेकिंग अगर आपको करनी है, इफ यू वांट टू फॉलो अ क्लासिकल होम्योपैथी पैटर्न, तो आपको हमेशा फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइज होना चाहिए और आपके सेंसेस हमेशा बहुत साउंड होने चाहिए. तो आपको साउंड सेंसेस होने चाहिए और आपको किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए. इसके बाद हमने बात की कि हमें किस तरह से अपने केस टेकिंग को लिखना होता है. एक लाइन लिखकर फिर थोड़ा स्पेस छोड़ना है, फिर दूसरा सिम्टम स्टार्ट करना है. उसके बाद डॉक्टर हैनेमैन ने हमें बताया कि हमें पहले जो है पेशेंट उनको बहुत अच्छे से सुनना है, विदाउट इंटरप्टिंग इन बिटवीन, विदाउट क्वेश्चनिंग इन बिटवीन अटेंडेंट को. और उनको अच्छे से सुनने के बाद एट लास्ट जब हम पेशेंट ने सब कुछ हमें बता दिया, फिर हम अपना इंटरोगेशन स्टार्ट कर सकते हैं. हम पर्टिकुलर्स के हर एक पर्टिकुलर जो हमने लिया उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि डायरेक्ट नहीं होने चाहिए, जो कि सजेस्टिव होनी चाहिए, जिसमें पेशेंट यस और नो का जवाब ना दे पाए. उसके बाद डॉक्टर हैनेमैन ने हमें कहा जब हम अपने सारे क्वेश्चंस पूछ के खत्म कर चुके हैं तो एट लास्ट हम लिखेंगे कि हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया, कि हमारी ऑब्जर्वेशन में हमने क्या क्या देखा, पेशेंट्स में क्या क्या चेंजेस हैं. लास्ट जो हमने फॉगिज्म किया उसमें डॉक्टर हैनेमैन ने हमें बताया कि हमें प्योर पिक्चर ऑफ द डिजीज कैसे मिलेगी. अगर हमारे पास कोई क्रॉनिक केस आता है जो कि बहुत समय से कन्वेंशनल ड्रग्स पर है, तो प्रीवियसली कोई भी दवा अगर चल रही होती है तो कहीं ना कहीं प्योर पिक्चर को अफेक्ट करती है एंड यू विल नॉट गेट द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द डिजीज. तो इसलिए हमें पहले या तो पेशेंट को थोड़े दिन फ्री फ्रॉम एनी मेडिसिन रखना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा मेडिसिन नॉन मेडिसिनल एजेंट उनको देना पड़ेगा ताकि उनका सिस्टम क्लियर अप हो जाए विद ऑल दीज मेडिसिन जो उन्होंने अभी तक खाए हैं और हमारे पास एक प्योर पिक्चर ऑफ द डिजीज आ जाए जो कि क्लियरली हमें ये बता सके कि इन इन सिम्टम्स पर हमें प्रिस्क्राइब करना है. नाउ वी मूव ऑन टू फॉगिज्म नंबर 92. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज देर मत कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ. एंड आई रियली होप आप सभी के लिए बहुत बहुत यूजफुल रहने वाली है. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. फॉगिज्म नंबर 92 में डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन हमें क्या बता रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं कि अगर ये जो प्रॉब्लम है जिसके साथ पेशेंट आपके पास विजिट कर रहा है वो क्रॉनिक नहीं हुई, अगर वो 8-10 साल 4-5 साल पुरानी नहीं है, जिसके लिए सिस्टम में बहुत सारे कन्वेंशनल ड्रग्स नहीं डाले गए हैं और मेडिसिन नहीं ली गई है, तो आप ऐसे रैपिड कोर्स वाले अक्यूट डिजीजेस में क्या करेंगे. बट इफ इट बी अ डिजीज ऑफ अ रैपिड कोर्स एंड इफ इट इज अ सीरियस कैरेक्टर एडमिट ऑफ नो डिले, तो अगर वो अक्यूट और रैपिड कोर्स का डिजीज है, सीरियस कैरेक्टर का है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है. द फिजिशियन मस्ट कंटेंट हिमसेल्फ विद ऑब्जर्विंग द मॉर्बिड कंडीशन. फिजिशियन को अपने आप को सैटिस्फाई कर लेना है जो भी उस समय की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, मॉर्बिड कंडीशंस है, ऑल्टर्ड दो इट मे बी बाय मेडिसिन, चाहे वो मेडिसिन द्वारा ऑल्टर्ड ही क्यों ना हो. अगर आपके पास कोई पेशेंट आए जिनकी प्रॉब्लम्स अक्यूट है, जिनको काफी प्रॉब्लम है, रैपिड कोर्स है, तो आप को अपने आप को कंटेंटेड कर लेना है कि यही एक ड्रग पिक्चर है, यही इसी के बेसिस पर मुझे प्रेस्क्राइब करना है, चाहे वो मेडिसिन के द्वारा ऑल्टर्ड ही क्यों नहीं हो गई हो. इफ यू कैन नॉट असर्टेन व्हाट सिम्टम्स वर प्रेजेंट बिफोर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेडिसिन, अगर वो नहीं पता कर पा रहे हैं कि दवा खाने के पहले क्या क्या सिम्टम्स थे, क्योंकि इतना रैपिड कोर्स होता है ना अक्यूट डिजीजेस में कि हर कुछ घंटे में चीजें बदल जाती हैं और पेशेंट अक्यूट इलनेस में इतना ज्यादा याद भी नहीं रख पाते और वो प्रॉब्लम और सफरिंग ज्यादा होती है. इसलिए अगर जो फिजिशियन है वो ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि कुछ मेडिसिन दिया था उसके पहले का ड्रग पिक्चर क्या था, तो उसी में आपको जो भी मॉर्बिड पिक्चर है, जो ऑल्टर्ड बाय मेडिसिन है, अभी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है, उन्हीं के बेसिस पर फिजिशियन को अपने आप को सेटिस्फाई करना और उसी के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करना है, इन ऑर्डर दैट ही मे एटलीस्ट फॉर्म अ जस्ट एप्रिहेंशन ऑफ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज इन इट्स एक्चुअल कंडीशन.
तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट एक एप्रीहेंशन, एक जो है कंप्लीट पिक्चर फॉर्म करेंगे एक्चुअल कंडीशन की, दैट इज टू से ऑफ द कॉन्जॉइंट मैलेडी. कॉन्जॉइंट मैलेडी क्या, जो अभी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है वो, मतलब कि जो मेडिसिन से ऑल्टर हो गए हैं वो भी, प्लस जो ओरिजिनल सिम्टम्स थे मेडिसिन देने के पहले, उसका जो मिला जुला एक जो आपको पिक्चर मिल रहा है उसको हम कहेंगे कॉन्जॉइंट मैलेडी. तो क्या करना है, इन ऑर्डर एटलीस्ट एक एप्रिहेंशन रहेगा, एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज एक्चुअल कंडीशन का आपको लेना है, आपको फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स आपको कॉन्जॉइंट मैलेडी फॉर्म करनी है मेडिसिनल डिजीज की भी और ओरिजिनल डिजीज की भी, विच फ्रॉम द यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट ड्रग इज जनरली मोर सीरियस एंड डेंजरस दैन वॉज द एक्चुअल वन. तो जो इनएप्रोप्रिएट ड्रग्स उन्होंने ऑलरेडी खाए फॉर द अक्यूट एलिमेंट्स, उसकी वजह से जो ओरिजिनल डिजीज थी और भी सीरियस और डेंजरस हो गई. तो मेडिसिनल, दैट मीन्स जो ओरिजिनल डिजीज है एंड आफ्टर जो मेडिसिन इनएप्रोप्रिएट ड्रग्स जो पिक्चर हो गई, उन दोनों को मिला के आपको एक कॉन्जॉइंट मैलेडी जो जिसे हम कहेंगे उसको देखना है. एंड हेंस डिमांड्स प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट एड, तुरंत के तुरंत एक एफिशिएंट एड आपको प्रोवाइड करना है. एंड बाय दस ट्रेसिंग आउट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज ही विल बी अनेबल टू कम्बैट इट विद इट विद अ सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी. तो एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी से उसे हम कम्बैट करेंगे उस कंप्लीट पिक्चर को देखते हुए, सो दैट द पेशेंट शैल नॉट फॉल अ सैक्रिफाइस टू द इंजूरियस ड्रग्स ही वाज स्वॉलोड. तो उन्होंने जो भी सोलो किए इंजूरियस ड्रग्स, जो इनएप्रोप्रिएट ड्रग्स उन्होंने खाए, उसकी वजह से जो चीजें होने वाली हैं वो भी ना हो और पेशेंट जो है एक और सीरियस कंडीशन से बच जाए. तो इसके लिए आपको एक होम्योपैथिक रेमेडी चूज करनी पड़ेगी जो प्रॉम्प्ट और एफिशिएंट एड देती है. यहां मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को ना ये बहुत कंफ्यूजन और मिथ है कि होम्योपैथी जो है क्रॉनिक डिजीजेस में अच्छा काम करती है, होम्योपैथी जो है स्लो काम करती है. होम्योपैथी अगर आपको अक्यूट रिलीफ चाहिए, आपको जल्दी रिलीफ चाहिए, तो होम्योपैथी आपके लिए नहीं है. ये सभी मिथ्स है. जो भी लोग आउट देयर, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी लोग अपनी छोटी बड़ी एलिमेंट्स के लिए, छोटी छोटी अक्यूट एलिमेंट्स जो आपको घर में होती है उनके लिए जब भी होम्योपैथी लेते हैं तो आप सभी को कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. इससे ताकि ये होगा सभी लोगों को पता चलेगा, जिनके भी मन में ये वहम है या ये बात जो फैलाई गई है कि होम्योपैथी जो है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए धीरे 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 काम करती है, बीमारी को जड़ से निकालती है, अक्यूट डिजीजेस के लिए नहीं है. मैं उन्हीं सभी लोगों को क्लियर कर दूं यहां पर कि अगर आपको कोई भी अक्यूट प्रॉब्लम हुई है और आप होम्योपैथी की सिर्फ एक डोज लेते हैं आपको उससे भी रिलीफ आ जाएगा अगर आपका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अच्छा है. सो दिस इज जस्ट अ मिथ कि अक्यूट के एलिमेंट्स में आप नहीं ले सकते हैं. कॉन्जॉइंट मैलेडीज जो है उनमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है. चाहे आपने ऑलरेडी एंटी एलर्जिक्स खाए हैं, चाहे आपने ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स खाए हैं, चाहे आपने ऑलरेडी पैरासिटामोल लिया है, उसके बाद भी जो आपके ड्रग पिक्चर कंप्लीट पिक्चर बनती है उसके लिए होम्योपैथिक रेमेडी दी जाए एंड इफ द सिलेक्शन इज प्रॉपर आपको एक दो डोजेस से ही बहुत रिलीफ दिख जाएगा. नाउ वी मूव ऑन टू फॉर एग्जाम्पल नंबर 93. इट्स अ शॉर्ट वन बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. इफ द डिजीज हैज बीन ब्रॉट ऑन अ शॉर्ट टाइम, अगर छोटे से समय के लिए आया और इन द केस ऑफ अ क्रॉनिक अफेक्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उसको एक क्रॉनिक डिजीज ऑलरेडी है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बीच में जो अक्यूट पैरोक्सिजम्स आते हैं उसमें क्या करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर क्या करना है, द डिजीज हैज बीन ब्रॉट ऑन अ शॉर्ट टाइम और इन द केस ऑफ अ क्रॉनिक अफेक्शन, एक शॉर्ट टाइम के लिए एक डिजीज आया या फिर कोर्स ऑफ क्रॉनिक अफेक्शन, जब एक क्रॉनिक अफेक्शन का केस है, क्रॉनिक डिजीज है, उसके बीच में एक शॉर्ट टाइम के लिए अक्यूट अफेक्शन आया अ कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली बाय सम ऑब्वियस कॉज, किसी ऑब्वियस कॉज की वजह से, देन द पेशेंट और हिज फ्रेंड्स व्हेन क्वेश्चंस प्राइवेटली विल मेंशन इट ईदर स्पॉन्टेनियसली और व्हेन केयरफुली इंटरोगेटेड. तो ये अक्यूट जो पैरोक्सिज्म आया उसको अगर आप पेशेंट के साथ प्राइवेटली बैठकर, उसके फ्रेंड्स के साथ प्राइवेटली बैठकर क्वेश्चन करते हैं, तो आपको अगर आप केयरफुली एग्जामिन करो, इंटरोगेट करो, अच्छे से क्वेश्चंस पूछो, तो आपको उसके जवाब भी मिल सकते हैं कि एक क्रॉनिक डिजीज का जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके बीच में अक्यूट पैरोक्सिज्म्स शॉर्ट टाइम के लिए क्यों आ रहे हैं. एनी कॉज ऑफ अ डिसग्रेसफुल कैरेक्टर, तो यहां पता है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, कई बार हम इसको कहते हैं कि ऑब्स्टिकल्स इन क्योर, कई बार हम इसे क्या कह सकते हैं, दीज आर बेसिकली द कॉजेशंस जो आपके बीच बीच के अक्यूट पैरोक्सिज्म्स को लेकर आते हैं. तो क्या क्या हो सकते हैं, एनी कॉज ऑफ अ डिसग्रेसफुल कैरेक्टर व्हेन द पेशेंट और हिज फ्रेंड्स डू नॉट लाइक टू कन्फेस,
कन्फेस कई बार पेशेंट भी और कई बार उनके फ्रेंड्स भी मानते नहीं है, कन्फेस नहीं करते हैं डॉक्टर के आगे। अगर कुछ भी डिसग्रेसफुल कैरेक्टर का हुआ, अच्छी चीज नहीं हुई हो, एटलीस्ट नॉट वॉलेंटरली, एटलीस्ट जो उन्होंने खुद से किया होगा वो तो कभी वो जल्दी से नहीं उसको बताएंगे फिजिशियन को। द फिजिशियन मस्ट एंड वेल टू एलिसिट बाय स्किलफुली। अब नाउ डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाता है? हम हमेशा कहते हैं ना, हमें एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना है। एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाता है? एक्सपीरियंस आपको स्किल सिखाता है। एक्सपीरियंस आपको इंटरोगेशन का तरीका सिखाता है। एक्सपीरियंस आपको ये सिखाता है कि किस तरह से पेशेंट को बुरा भी ना लगे और पेशेंट को पता भी ना चले और वो अपने जीवन की को खुली किताब की तरह आपके सामने रख दे विदाउट फीलिंग गिल्टी और विदाउट फीलिंग अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। वो आपको हर चीज बताने को तैयार हो जाए। दिस इज द स्किल विच यू गेट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ अ डॉक्टर। ये काम है और इसी की वजह से कई बार कहते हैं ना कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अगर अच्छे से बात कर ले तो आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है, क्योंकि कितनी सारी बातें जो अंदर अंदर पकड़ के रखी होती है एक इंडिविजुअल ने, जो वो किसी को ड्यू टू अशेम, ड्यू टू गिल्टीनेस, ड्यू टू एनी जजमेंट वो बता नहीं पाते और वो आपको बताते हैं तो उनको उनके मन को अच्छा लगता है एंड फिर रिकवरी और भी स्पीडी हो जाती है। तो अगर जो फिजिशियन है अपने क्वेश्चंस को स्किलफुली फ्रेम करे, अच्छे तरीके से फ्रेम करे और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ले तो काफी चीजें पता चल सकती हैं। टू दीज बिलोंग पॉइजनिंग और अटेम्प्ट टू सुसाइड। ये चीजें देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो शी केम टू मी अ गर्ल फ्यू डेज बैक, आई थिंक अराउंड 10 days back अ गर्ल विजिटेड टू मी और उन्होंने मुझे बताया, शी वॉज ओनली 17 years, हर एज वॉज 17 years old एंड शी टोल्ड मी मैम कि मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा है और बाल बिल्कुल ऐसे निकल रहे हैं पूरे फ्रॉम द रूट्स और बालों में छोटे छोटे दाने हैं, स्कैल्प में छोटे छोटे दाने हैं जिसमें बहुत इचिंग होती है एंड आई एम रियली वरिड अबाउट माई हेयर्स। नाउ वॉट इज प्राइवेट इन दिस, वॉट कैन यू इंटेरोगेट, आप इसमें क्या इंटेरोगेट करेंगे? बट मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहूंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से पेशेंट जो है अपनी चीजें छुपाते हैं और फिर बताते हैं तो कितनी चीजें आप समझ सकते हैं, आप उसकी मानसिक स्थिति पेशेंट की समझ सकते हैं। पेशेंट ने सिर्फ मुझे हेयर फॉल बताया, शी वॉज ओनली 17 years और उनके स्कैल्प पे इरप्शंस बताए जो कि इची थे। तो आप हमेशा क्या पूछेंगे जनरली कि आपने हेयर्स में कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं लिया, कब से ये हो रहा है? तो जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने बताया कि यस, उन्होंने हेयर ट्रीटमेंट लिया था, केराटिन ट्रीटमेंट लिया था और कुछ बालों में कलर्स एंड ये सब करवाया था। आफ्टर दैट इवन द स्कैल्प इरप्शंस वर देयर प्रीवियसली, पर वो सब ट्रीटमेंट कराने के बाद और ज्यादा बढ़ गए, हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ गया। पहले था बट मिनिमल था, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। देन ग्रेजुअली व्हेन आई आस्क अबाउट द फिजिकल जनरल, बेसिक फिजिकल जनरल आपको पूछने जरूरी है, फिजिकल जनरल्स पूछते पूछते मैं सिर्फ जब मेंटल जनरल्स पर पहुंची और मैंने जनरली उनसे पूछा कि और सब कैसा चल रहा है, आर यू अ स्टूडेंट और डूइंग सम वर्क और जॉब, तो उन्होंने मुझे जनरली ये सब चीजें बताई और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको गुस्सा ज्यादा, आपको गुस्सा जल्दी आता है, आपको रोना जल्दी आता है? तो शी टोल्ड मी कि मैम आजकल रोना बहुत ज्यादा आता है। तो मैंने फिर पूछा कि आजकल रोना ज्यादा आता है का मतलब? देन देयर इज समथिंग ना कि मैं बहुत अभी परेशान चल रही हूँ एंड आई रियली फील कि मेरे हेयर फॉल और ये सब का कारण मुझे वीकनेस बहुत लगती है, वो मेरे मूड स्विंग्स ही हैं और मेरा इस तरह से बार बार रोना, परेशान होना ही मेरे हेयर फॉल का रीजन हो सकता है। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि कोई बैड इंसिडेंट हुआ अभी लाइफ में, कुछ पिछले दिनों में कुछ बुरा हुआ, कुछ खराब हुआ? तो शी सेड कि यस मैम, आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं 12th में हूँ, मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं। तो उनकी बातों से मुझे ऐसे लगा कि देर कैन बी समथिंग रिलेटेड टू लव एंड इन्फैचुएशन एंड ऑल। फिर मैंने पूछा कि घर वाले सब कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं? तो शी टोल्ड मी कि मैम हाँ, सब मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे परेशान है, मुझे गलत समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है बहुत। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। ये बोलते ही वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। और उसके बाद फिर मैंने पूछा कि बेटा किसी को पसंद करने लगे हो या ऐसा कुछ है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ रिलेटेड टू लव?
तो उन्होंने बोला कि यस मैम, मुझे मैं आई एम इन अ रिलेशनशिप सिंस 1 or 2 years, ऐसा कुछ बताया कि वो रिलेशनशिप में है और स्टिल वो कंफ्यूज है बिकॉज जो उनके पार्टनर उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल शी वॉन्ट्स टू बी इन दैट रिलेशनशिप. और इस कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि फैमिली अग्री नहीं है, मैं छोटी हूँ, ये सब चीजें, और उधर से भी मैं परेशान हूँ, मैं उधर से भी परेशान हूँ, अपनी फैमिली से भी परेशान हूँ. 2 बार उन्होंने अटेम्प्ट टू सुसाइड भी किया और दैट वॉज देयर. और इससे आप देख सकते हैं कि हेयर फॉल का जो लिंक है, आप अगर दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, दैट व्हेन यू आस्क अ इंडिविजुअल, आप हेयर फॉल के लिए फिर आप पकड़ा देंगे कोई भी आर्निका शैम्पू, आर्निका का ऑयल, जावर आर्निका ऑयल, और आप एसिड फ्लोर, और आप दे देंगे एसिड फॉस एंड व्हाट एल्स, सिनोथस का हेयर टॉनिक, और भी बहुत कुछ. बट व्हेन यू गो डीपर इनटू द केस और आप उस केस की रीजन और जड़ तक पहुंचते हैं, तब आप उस पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं. एंड दैट वाज द केस कि उसको प्रॉब्लम्स उसके हेयर ट्रीटमेंट के पहले से हैं, तो दैट मींस हेयर ट्रीटमेंट ने सिर्फ उस प्रॉब्लम को बढ़ाया था, ओरिजिनेट नहीं किया. ओरिजिनेट किसने किया उसकी प्रॉब्लम्स को, ये जो डिसअपॉइंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट्स जो लाइफ में चल रही है, जो बॉडीली वीकनेसेस आ रही है, जो माय और जो माइजम्स है स्ट्रांग होते जा रहे हैं उनकी बॉडी पर, दीज वीकनेसेस आर इंड्यूसिंग फिजिकल प्रॉब्लम्स. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि दिस इज हाउ यू कैन आस्क प्राइवेटली टू द पेशेंट, और वो फिर अपने बारे में बहुत कुछ बता देते हैं. तो अटेम्प्ट टू सुसाइड टू दीज बिलोंग पॉइजनिंग, अटेम्प्ट सुसाइड, ओनानिज्म, इंडल्जेंस इन ऑर्डिनरी और अननेचुरल डिबोशरी, दैट मीन्स सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में अगर इन्वॉल्व है, एक्सेसेस इन वाइन्स, कॉर्डियल्स, या आपको जनरली पेशेंट बताएंगे नहीं कि हम एक्सेसेस ऑफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या हम वाइन बहुत ज्यादा ले रहे हैं. जनरली क्या होता है, फर्स्ट विजिट में आप पूछेंगे किसी तरह का एडिक्शन है, तो पेशेंट क्या बोलेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं लेते, कुछ बिल्कुल नहीं, नो टोबैको, नो अल्कोहल, नथिंग. और धीरे 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 करके अगर आप, इफ यू आर स्किलफुल वन, इफ यू आर एक्सपीरियंस वन, यू कैन ट्रैक इट आउट, आप पता कर सकते हैं. कॉर्डियल्स, पंच एंड अदर आर्डेंट बेवरेजेस और कॉफी, बहुत जिद्दी बेवरेजेस ये सब लेते हैं. ओवर इंडल्जेंस, ईटिंग में बहुत ओवर इंडल्जेंस है, कोई पर्टिकुलर फूड आइटम है जो उनको बहुत हर्ट करता है, हर्टफुल कैरेक्टर, इन्फेक्शन विद विनीरियल डिजीज और इच, दैट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सिफिलिस वाले जो है, अगर इस तरह के कोई इन्फेक्शन हुए, अनफॉर्चुनेट लव, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्स्टिकल, दिस इज ऑल्सो अ थिंग विच कैन ट्रिगर, विच कैन ट्रिगर द केस. सो यू वॉट इज अनफॉर्चुनेट लव, जेलिसी, डोमेस्टिक इनफेलिसिटी, वरी, ग्रीफ ऑन अकाउंट ऑफ सम फैमिली मिसफॉर्च्यून, इल यूसेज, बॉल्क रिवेंज, इंजर्ड प्राइड, एम्बेरसमेंट ऑफ अ पिक्यूलियर नेचर, सुपरस्टिशियस फियर, हंगर और एन इम्परफेक्शन इन द प्राइवेट पार्ट, अ रप्चर, अ प्रोलैप्स एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. दिस इज वॉट डिफिकल्टीज, क्या क्या, सिफिलिस, एक्सेसेस ऑफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, डिसग्रेसफुल कैरेक्टर, अननेचुरल डिबोशरी, एक्सेसेस ऑफ फूड विच इज हर्टफुल, जो सूट नहीं करता पर पसंद बहुत है इसलिए खा रहे हैं, मिसफॉर्च्यून, घर से बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं है, अनडिसअपॉइंटेड लव है, रिसेंटली किसी लव्ड वन को खो दिया है, उनका सम्मान छिन गया है, बिजनेस एम्बेरसमेंट हुई है, किसी से बहुत जेलिसी है, भ्रम है, सुपरस्टिशन है, फियर्स है, और बहुत कुछ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अफॉर्जन नंबर 92 and 93. आई रियली होप दैट यू गाइज लाइक इट. अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हमेशा जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, बिकॉज आई एम गोना कम अप विद वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेटर ऑन ऑल्सो. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी. टेक केयर, बाय बाय.